अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं सऊदी अरब में हैं और आपका कंप्यूटर टेस्ट पास नहीं हो रहा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है ना तमाम तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास करना है उसका तरीका कार समझाऊँगा, और आपको जो है ना उर्दू के अंदर डिटेल में बताऊँगा। मेरे पास उर्दू की बुक अवेलेबल है, तो उसकी उर्दू की बुक से देख के आपको जो है ना तमाम जो है ना जो भी क्वेश्चन आने हैं, कैसे आने हैं, किस तरह का पेपर होता है, तो आपको आपको जो है ना वो डिटेल समझा दूँगा। तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लें, तो आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपको बुक से जो है ना एक एक चैप्टर के डिटेल समझाता जाऊंगा, ताकि वहां से आपको जो है जो भी सवाल होगा आपका आपने कमेंट के अंदर मेरे से पूछ लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। तो उसके अंदर जो इंडिकेशन है, उसके अंदर जो इशारे हैं, जो उसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल हैं, कुछ भी है, तो वो सब कुछ उर्दू के अंदर उसके अंदर बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको बुक भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है ना मैं बुक भी शेयर कर दूंगा। तो आपने जो है ना सबसे पहले जो कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने जो है ना तैयारी अपनी मुकम्मल करनी है। बाज़ लोग कहते हैं जी कंप्यूटर टेस्ट के हम जितना भी तैयारी कर लें हमारे से टेस्ट पास नहीं हो रहा, ऐसे कोई बात नहीं है। कंप्यूटर टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे जो मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो सवाल घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो आपको जो है ना बस आराम से, ये जल्दबाजी करते हैं, 30 मिनट का पेपर होता है, 2 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व करके जो है ना बस वो पास है या फेल है अपना वो देख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने 30 मिनट पूरे लेने हैं, एक सवाल को आराम आराम के साथ पढ़ना है और उसका जवाब देना है। फिर उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई सवाल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है ना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर समझाता हूँ कि कौन कौन से सवाल आते हैं और किस तरीके से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूनिट 1 को क्लियर करना है, तो इंशाल्लाह हम एक एक करके यूनिट 1, 2, 3, 4 सब की अलग अलग वीडियो बनाएंगे और एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में दर्ज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स और आपका जो भी सवाल होगा वो उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए आज हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। जो यूनिट 1 है उसमें लिखा हुआ है, यूनिट 1 का उसमें है तारुफ़ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ और ट्रैफिक के पॉइंट्स। तारुफ़ ये है कि लाइसेंस का तारुफ़ है कि आप लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, आपके 18 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और आपको जो है ना थ्योरी का टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना होता है, उसकी जो मुकर्रर फ़ीस है वो अदा करनी होती है, उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो कम से ज़्यादा 10 साल के लिए कारामद होता है, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोगों को अपने साथ बिठा सकते हैं और 3500 किलोग्राम तक आप गाड़ी चला सकते हैं। इससे वजनी गाड़ी के लिए आपको बड़ा लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसके बाद है आपका जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर आपका नाम होता है, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होता है, आपकी पैदाइश होती है, आपकी हदूद होती है कि उसके बाद लाइसेंस की, उसके बाद आपके खून की किस्म होती है और जारी होने वाली लाइसेंस की डेट होती है, उसके बाद आपके जो लाइसेंस की ख़त्म होने की वो डेट होती है। उसके बाद जो लाइसेंस है वो आम लाइसेंस जो है उसमें आप जो है ना 20 साल के उम्र का जो है ना आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, उसके बाद जो है 5 साल के लिए वो कारामद होता है। उसके बाद जो परमिट होता है उसकी 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो छोटी जो है ना आप गाड़ी चला सकते हैं, उसके अंदर 8 अफराद से ज़्यादा आप लोगों को नहीं बिठा सकते। जो दूसरी किस्म होती है उसमें आप जो है ना 3500 किलोग्राम गाड़ी जो है ना चला सकते हैं। जो तीसरी किस्म होती है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों के मुसाफिर को गाड़ी चला सकते हैं। मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है ना मोटरसाइकिल हर किस्म के लिए मौजू है, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस हासिल करने के लिए कम से कम जो है ना आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। मोटरसाइकिल जो लाइसेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए कारामद, उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है जी। तो रफ़्तार और इसके नुकसानात, जितना भी एक्सीडेंट होते हैं तकरीबन रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए सड़क के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। पैदल चलने वाले अफराद भी होते हैं, बड़े ट्रक भी होते हैं, बसें भी होती हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कुछ दिन तक आ जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से तमाम वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी।